नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। यह एक स्पेशल वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग उमंग स्टडी पे पहली बार अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और अनबॉक्सिंग क्या करने वाले हैं, तो ये बुक ओसवाल बुक्स, ठीक है दोस्तों। ये बुक मैंने खरीदा है और मैं इसके आपको बेनिफिट्स दिखाऊंगा अनबॉक्स करके कि इस वीडियो में कि इस बुक में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। वैसे ये बुक आप osvalbooks.com पे और Amazon पे भी खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। जिसमें बुक में आपको मैं दिखा देता हूँ, ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल, ठीक है। 2020 जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए है, RRB NTPC के लिए। 10 प्रीवियस ईयर पेपर हैं इसमें, ठीक है, ऑल सेट 2016 के, और 10 मॉक टेस्ट पेपर हैं। तो जो भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए कौन सा बुक प्रेफर करेंगे, तो मैं आपको ये ओसवाल बुक जो है प्रेफर करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा इसको आपको खरीदने का, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इस बुक्स को बनाया गया है और बहुत ही नए तरीके से बनाया गया है। आजकल जो बुक है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो गए हैं। ऑब्सोलीट इन द सेंस कि मैं अगर बोलूँ तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब उतना बुक्स काम नहीं आते हैं, सारे ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो बुक है दोस्तों, ये आपको उसी को बात को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है, कि कैसे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखते हैं, चलिए इस बुक को मैं खोलता हूँ, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको सारी बातें लिख दी गई है, कौन सा प्रीवियस ईयर किस एग्जामिनेशन डेट पे हुआ था, वो सारी चीज़ें लिख दी गई है, ठीक है। और इसमें दोस्तों सारी जो एग्ज़ाम कैलेंडर और बहुत सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको दिए गए हैं। ये आप एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स को है, इसको आप जेरोक्स कर सकते हैं या इसको जब भी इस बुक्स में देख करके आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे ट्रिक्स हैं और सिलेबस भी इसमें दे दिया गया है, तो आपको कहीं और सिलेबस जाने की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देख सकते हैं कि पहला शिफ्ट जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, जो कि 2 अप्रैल 2016 को हुआ था, ठीक है। अगर मैं इसको आपको अच्छे से दिखाऊं बहुत, तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन जो है यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए, ये क्वेश्चन जो है पहला, रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेज मेक अ मीनिंगफुल वन, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए A, B, C, D, और यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड जो टाइम है दोस्तों वो 34 सेकंड दिया गया है। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को 34 सेकंड में बना पाते हो या 34 सेकंड के अंदर बना पाते हो, तो आपकी तैयारी सही चल रही है, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही टाइम में किया। लेकिन अगर 34 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं, 35 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको फिर विचार की बात है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बन जाना चाहिए था, एवरेज 34 सेकंड में बनना था, लेकिन आपसे ज्यादा टाइम ले रहा है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन का देख सकते हैं, यहां पे 15 सेकंड लिखा गया है, तीसरा का 10 सेकंड, चौथा का 11 सेकंड। तो यहां पे ये जो है दोस्तों ये बहुत नई बात है आपके लिए, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हैं घर बैठे ही कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी अच्छी चल रही है, पर क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन में आपको कितना समय लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए आपको पता चल रहा है। बहुत बार ये होता है ना दोस्तों कि हम घर में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व तो हो गया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को मतलब कि कितने टाइम में सॉल्व करना चाहिए था। तो यहां पे आपको वो टाइम भी दे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये हर एक क्वेश्चन के लिए दे दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से यहां पे सारे क्वेश्चन जो हैं लिखे हुए हैं, और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं ये 100 क्वेश्चन। अब चलिए आते हैं हम इसके आंसर की के ऊपर, क्योंकि इसमें आंसर की जो है ना उसमें भी बहुत अच्छी बात और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 का B है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट और स्किप्ड, तो 46% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया था। तो आप ये मान सकते हैं कि दोस्तों कि अगर आपका सही होता है तो बोलो चलो अच्छा बात है कि आप मेजॉरिटी में हैं, और स्किप जो है सिर्फ 6% ने किया था, तो यानी कि 48% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत भी रहा था, ठीक है। तो 48% बच्चे जो है इसमें मेजॉरिटी में गलत किए थे। तो आप सही अगर करते हैं इसका आंसर, तो आपको खुश होने वाली बात है कि आप उन चंद स्टूडेंट्स में हैं जिन्होंने इसको सही किया था। दूसरा क्वेश्चन 39%। तो इस तरह से जो क्वेश्चन का भी आप आंसर दे पाते हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन को जो है ओवरऑल कितना हार्ड था, टफ था, और कितने बच्चे इसका सही उत्तर दे पाए थे नहीं दे पाए थे। अब जैसे कि यहां पे 6ठा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 11% लोगों ने सही उत्तर दिया था। तो अगर आप उनमें से एक रहते हैं तो आपको बहुत खुश होने वाली बात है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लाने वाली बात है कि आपने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 11% बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें देख सकते हैं 9%, फिर और भी क्वेश्चन देखने जिसमें मिल रहा है कि 2% भी, सिर्फ 2% बच्चों ने सही किया था। तो इन सब क्वेश्चन से आपको यह भी समझ में आ सकता है ना दोस्तों कि क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि आप ये भी ध्यान में रखिए कि 100 के 100 क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको बनाने ही बनाने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है। जैसे कि अगर आप देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें कि 45वां क्वेश्चन है,
अगर आप देख पा रहे हैं, हाँ, तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन डी होता है। इसमें 5% बच्चों ने सही उत्तर दिया और 85% बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। यानी ये क्वेश्चन जो है लेंथी होगा, इसको स्किप करने लायक ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। अब चलिए यहाँ नीचे देखा जाए तो 58/200 इसका एवरेज स्कोर है, यानी कि ये काफ़ी बोला जाए तो थोड़ा सा हार्ड ही सेट था पहला सेट, ठीक है। एवरेज स्कोर 58 यानी 58 के करीब आ रहा है, तो चलो अच्छा है। टॉपर जो है उसका स्कोर 93 आया है और कट ऑफ जो है 284 गया था। तो आपको कम से कम इस पेपर में जो ये सीट वन है, ये जो सेट वन है, इसमें आपको 84 अंक लगभग लाने हैं, उससे ज़्यादा लाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये पेपर एग्जामिनेशन में आया हुआ होता या आएगा तो आप इसमें अगर 84 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका डिटेल सॉल्यूशन आए तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं, यहाँ पे स्कैन कोड दिया हुआ है, या फिर ये विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह से है। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल वीडियो मैंने बना चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और इस तरह से ये बुक जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट भी है इसमें, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 10 मॉक टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये बुक खरीदना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, और US10DISCC अगर ये कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी आप, स्नैपडील पे भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी कोई सवाल रहेगा तो आप जरूर पूछिएगा। अब आता है दोस्तों कि जो मैंने सरप्राइज़ का बात कहा था, तो दोस्तों ये दो बुक जो है वो मैं गिव अवे करने वाला हूँ आप में से किन्हीं एक को। तो आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपको क्या करना है कि हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मुझे जाके मैसेज करना है और ओसवाल बुक्स लिखना है, ओसवाल बुक्स। तो आप में से किसी एक बच्चे को मैं 10 नवंबर को विनर अनाउंस करूँगा, ठीक है, कम्युनिटी टैब में। किन्हीं दो बच्चों को ये बुक मैं फ्री में यहाँ से खुद से भेजूँगा, ठीक है। तो ये गिव अवे जो है लिमिटेड टाइम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।